आजम खां 27 महीने का वक्त जेल में बिताकर अब वापस आ चुके हैं। इस सबके बीच सवाल उठ रहे हैं कि आजम खां का अब अगला कदम क्या होगा। इस बीच आजम खां का खुद क्या कहना है इस पर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीतापुर जेल में 27 महीने काटने के बाद आजम खां वापस अपने वतन रामपुर लौट चुके हैं, लेकिन इन 2 साल 2 महीने 23 दिन के बाद आजम जब वापस आए तो अखिलेश से उनकी नाराजगी पर तमाम सवाल उठ गए। जवाब में आजम खां सिर्फ यही बोले कि रुसवाई की कोई वजह नहीं बची। आपने आज कहा कि आपकी किसी से नाराजगी नहीं है, कोई वजह नहीं है। अखिलेश से अपनी रुसवाई पर आजम खां का यूं मना करना भी बहुत कुछ कह गया। आजम के चेहरे पर शिकन भी नजर आ रही है और आंखों में मायूसी भी, लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि लोकसभा सीट छोड़ चुके आजम खां क्या उपचुनाव में फिर दाव आजमाएंगे। जवाब आजम ने खुद दिया। ये सवाल उठ रहा है सर, आप संसदीय सीट पे रहेंगे सर या छोड़ेंगे, इसको लेके चर्चा है, बस यही सवाल है सर। ज्यादा पार्लियामेंट सीट तो छोड़ चुके, रिजाइन कर चुके उससे, लेकिन बाई इलेक्शन लड़ सकते हैं अभी। आजम खां का इशारा बहुत कुछ कहता है। आजम शपथ कब लेंगे इस बात पर उन्होंने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन उपचुनाव लड़ने को लेकर आजम ने जो इशारा दिया वो साफ कहता है कि आने वाले वक्त में आजम कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।